नवरात्र, जिसका अर्थ है नवरात्रि, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसे आमतौर पर साल में दो बार मनाया जाता है, एक बार शारदीय नवरात्र सर्दियों में और दूसरी बार चैत्र नवरात्र गर्मी में। यहाँ नवरात्र मनाने के कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं। देवी दुर्गा की पूजा। नवरात्र में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। अच्छाई की बुराई पर विजय। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे यह संदेश मिलता है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। उपवास और साधना। नवरात्र के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह आत्मशुद्धि और साधना का समय होता है, जिसमें लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संस्कृति और परंपरा। नवरात्र भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। गरबा और डांडिया जैसे नृत्य भी इस समय लोकप्रिय होते हैं। भक्ति और श्रद्धा। यह त्योहार भक्ति, श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस अवसर को मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरात्र केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास, सामाजिक एकता और भारतीय संस्कृति की विविधता का प्रतीक भी है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर नई वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें आपको और भी अद्भुत तथ्य जानने को मिलेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहें। तो क्या आप तैयार हैं? सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।